Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak, and along with my team, I am welcoming you all for the largest YouTube platform for UPSC Civil Service Preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अनअकैडमी स्टूडियो राइज की चैनल के ऊपर, जहां मैं आप सब लोग को वेलकम करता हूं अलोंग विथ माय टीम फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन. उसकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे. मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस लेके आया हूँ, और मेरे जो टीम के अलग अलग मेंबर्स है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपके साथ तैयारी करा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो एक साल की दो साल की जितनी भी तैयारी आप कर रहे हो, वहाँ घर बैठे बैठे आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिले, वही हमारे इनफैक्ट एफर्ट्स रहेंगे. मेरे बारे में ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं पीआईबी का मॉड्यूल्स काफ़ी दिनों से आप सबके साथ लेके आ रहा हूँ. किस तरह से करंट अफेयर्स को चलना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है. मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर सक्रिय हूँ, और साथों साथ बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ. आई नो द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसका इंपॉर्टेंट क्या है. इसी के लिए मैं आप सबके साथ ये आज का जो डेली करंट अफेयर्स है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ. जो स्टूडेंट्स अनअकैडमी स्टूडियो राइज के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं वेलकम कर रहा हूँ कि आप अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी साथ हमारे साथ जुड़िए. मैं वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करा रहा हूँ जो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है, और दो स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू ज्वाइन फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, वो आप आइए एक बार आप जुड़ के देखिएगा. 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल का है, 6 महीने का है. यू टेक द सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर आई वुड से विलिंगनेस, और उसके बाद आप एक बार ट्राई करके देखिए कि यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. किस तरह से हाई क्वालिटी कंटेंट को आपके सामने लाया जा रहा है, घर पे बैठे बैठे तैयारी हो रही है. ये राइस के ऊपर तो मैं आपको एनसीईआरटी और पीआईबी तो कराता ही रहूंगा, ये इनफैक्ट आपको बताना चाहता था. हम लोग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ऊपर चलते हैं. आज के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स के अंदर है, एक तो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो इसको लेकर काफी इश्यूज चल रहे हैं आज की तारीख में. ईट राइट मूवमेंट जो 2-3 दिन से मैं आपको करा रहा था, अभी एक नया आया है, वो है वन धन. अब ये वन धन क्या है, इसके ऊपर आज हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. ट्राइबल कम्युनिटी को लेके, अपलिफ्टमेंट को लेके, ट्राइबल कम्युनिटी की गर्ल्स है उसको आगे लाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके कुछ नए चेंजेस आए हैं, इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक का सेंसस हुआ है. लाइफ स्टॉक का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी एनिमल्स है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का मतलब ये है कि आप जैसे गाय है, बैल हो गए, पोल्ट्री हो गई, उन सब का अभी सेंसस का डेटा रिलीज हुआ है, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स इंडिया के अंदर है. और इसके साथ साथ स्वच्छ भारत को एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई है, उसको लेके पीआईबी के अंदर एक रिलीज आया था, उसका एक आपको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा. सबसे पहले हंगर इंडेक्स के ऊपर चले जाते हैं. ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अगर आपको पता होगा अभी रिसेंटली एक डेटा आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 का, जहां पे 117 कंट्रीज के अंदर सर्वे किया गया और पता चला इंडिया का रैंकिंग इसके अंदर 102 नंबर का है. इंडिया का रैंकिंग किसके अंदर है, 102 नंबर्स का है. कहते हैं कि इंडिया मतलब ऐसा, मतलब ये हो गया कि हंगर की जब बात करते हैं, फूड की जब बात करते हैं, तो इंडिया इज ऑन द डाउन साइड. इंडिया के अंदर बच्चों को खाना नहीं मिला जा रहा है, यही यह हमारा सर्वे कह रहा है. कहते हैं कि बिलो 5 ईयर्स के अंतर्गत, बिलो 5 ईयर्स की जो एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन है उनके लिए ये सर्वे हुआ था, और उसी के द्वारा हमको पता चला कि इंडिया के अंदर आज की तारीख के अंदर जितने भी बच्चे हैं, स्मॉल चिल्ड्रंस है, उनको हंगर को लेके बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं. तो हम लोग आज के सेशन के अंदर यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रीजन व्हाई इंडिया इनफैक्ट 102 नंबर के ऊपर है, क्यों ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, साथों साथ इसको लेके क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वो भी इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा. और ये जो हंगर इंडेक्स है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मेन उसके ऊपर चले जाएंगे. इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ये हंगर इंडेक्स का डेटा हमको 3-4 चीजें बताता है. इन द ईयर 2019 हमारा रैंक 102 था, 2018 में इनफैक्ट हमारा रैंक था 103. तो यू कैन इमेजिन कि हम लोग का ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, खाली एक ही रैंक का इंप्रूवमेंट हुआ है,
और ये हंगर इंडेक्स को टोटल चार इंडिकेटर्स के ऊपर टेबुलेट किया जाता है। कहते हैं कि ये जो चार इंडिकेटर्स है, यहाँ पे आपके क्राइटेरियास है, ये चारों के चारों क्राइटेरियास के द्वारा विल बी एबल टू सी के भी इंडिया में कितने बच्चे इनफैक्ट भूखमरे के कारण बिकॉज ऑफ हंगर उनको बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो रही है। यू माइट बी अवेयर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हंगर, हंगर किसे कहते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग ये जो इंडेक्स बना है, ये इंडेक्स को लेके क्या क्राइटेरिया रहे हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। कभी कभी अगर आप देखने की कोशिश करोगे, आपको ये भी पूछता है कि इंडिया के अंदर ये जो हंगर के अलग अलग प्रकार है, उसमें एक को कहते हैं माल न्यूट्रिशन, एक को कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन, अगर आप देखोगे उनके बीच में क्या अंतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन, ये सब कुछ चीजें हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ेंगे। पहले फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं कि ये हंगर क्या है। इसने बताया हमको कि इंडिया के अंदर वेस्टिंग नाम का एक कंसेप्ट है विच इज रिलेटेड टू दी हंगर इंडेक्स ओनली, वहां पे वो बढ़ गया। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वेस्टिंग, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। इसके साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इंडिया के अंदर एक डेटा ये भी मिला है कि अराउंड आपके जो 6 मंथ से लेके 23 मंथ्स के बच्चे हैं, 6 मंथ से लेके 23 मंथ्स के जो चिल्ड्रन हैं, उनको थोड़ा बड़ा डाइट मिल जाता है। और इंडिया के अंदर कुछ कुछ आपके इंडिकेटर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आया है, उसके बावजूद भी हंगर इंडेक्स के अंदर हम लोग डाउन चल रहे हैं। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हंगर इंडेक्स, उसको मैं समझाता हूँ। इफ यू सी द हंगर इंडेक्स हैज 4 क्राइटेरियाज, याद रखेगा इसके 4 क्राइटेरियाज है, और ये चारों के चारों क्राइटेरियाज के अंतर्गत अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इंडिया में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे प्रिसाइसली, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक शब्द यूज किया गया है अंडर नरिशमेंट। क्या शब्द यूज किया गया है? अंडर नरिशमेंट। उसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो चिल्ड्रन है उनको कैलोरिक इनटेक जो है वो कम मिल रहा है। आज की तारीख के अंदर बच्चों को कितना कैलोरी का इनटेक मिलना चाहिए, जो एक एवरेज इंसान है, एवरेज इंडिविजुअल है, उससे कम मिल रहा है। जैसे कि एक एडल्ट को कहा जाता है कि अराउंड, अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो 2000 के आसपास आपके कैलोरीज मिलने चाहिए, बट अगर आपको उतने कैलोरीज नहीं मिल रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर नरिशमेंट इन योर लाइफ, और ये प्रॉब्लम कर रहा है। इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो हंगर इंडेक्स का सबसे पहला क्राइटेरिया अंडर नरिशमेंट का है। इफ यू सी अंडर नरिशमेंट की जब हम लोग अंडर नरिशमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया के जो 6 मंथ से लेके 23 मंथ्स के बच्चे हैं, छोटे छोटे, उनमें से टोटल 9% ऑफ द चिल्ड्रन आर ओनली गेटिंग एक्सेप्टेबल डाइट्स। मतलब क्या है कि 6 महीने से लेके 23 महीने तक अगर 100 बच्चे हैं, इफ देर आर स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ 100 क्वांटिटी बिटवीन द 6 मंथ्स टू 23 मंथ्स, उनमें से करीबन 9 चिल्ड्रन आर ओनली गेटिंग द रिक्विजिट डाइट विच आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। दैट मीन्स दे आर ऑल अंडर नरिश चिल्ड्रन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दूसरा एक शब्द यूज किया गया है, द वेस्टिंग हैज इंक्रीज। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वेस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वेस्टिंग, उसका मतलब ये हो गया कि दोज चिल्ड्रन हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, दैट मीन्स उनको भी अंडर न्यूट्रिशन का प्रश्न है। मतलब ये है कि बच्चों का अगर आप देखोगे तो वेट जो है वो काफी लो रहा है, और आपकी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है। अब देखिए कि जब हाइट बढ़ती है चिल्ड्रन की और उनका वेट नहीं होगा तो मतलब क्या होगा कि एकदम सुख लकड़ी आपको बच्चे मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे एकदम, इनफेक्ट ठीक है, पतले, तो दैट शोज कि भाई हमारे बच्चे अंडर नरिश्ड है, ये चीज बता रहा है। तो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेटा, ये बता रहा है कि इंडिया के अंदर एक टाइम के ऊपर 16% ऑफ द चिल्ड्रन वर हैविंग द वेस्टिंग प्रॉब्लम। 100 में से 16-17 बच्चे वेस्टिंग के शिकार थे। आज की तारीख के अंदर ये बता रहा है कि अराउंड 21% ऑफ द चिल्ड्रन आर फेसिंग वेस्टिंग, दैट मीन्स दे आर नॉट गेटिंग गुड फूड। तो उनकी हाइट तो कभी कभी थोड़ी बढ़ गई बट उनका शरीर नहीं बढ़ पाया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड जब हम लोग वेस्टिंग की बात करते हैं कि दोज चिल्ड्रन वो आर हैविंग लो वेट फॉर देयर हाइट, ये एक प्रॉब्लम आ रहा है।
दूसरा अगर आप देखोगे तो एक शब्द यूज किया जाता है इसके अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? तो दोज हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, मतलब क्या है कि आदमी की या बच्चों की जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो आपको पता ही होगा कि अप टिल द ईयर 18 हमारी हाइट ग्रो होती है, होती है कि नहीं होती है। एंड यू विल सी कि कभी कभी बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, हम लोग एज में तो ग्रो करते रहेंगे, हम लोग एज में तो ग्रो करते रहेंगे, बट हाइट की जब बात करती है तो हाइट की ग्रोथ ना होने के कारण बच्चे बौने ही रह जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टंटिंग कहते हैं। तो गेटिंग स्टंटेड डाउन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। तो आपको कभी कभी डेफिनेशन पूछ देगा कि भाई साहब ये वेस्टिंग और स्टंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए वेस्टिंग जो है वो हाइट टू वेट का रेशियो मैनेज करता है, स्टंटिंग जो है वो एज टू हाइट मैनेज करता है, कि जितनी एज होती है, जैसे 18 इयर्स तक आते आते आपका ऑलराउंड जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए अगर ना होगा तो क्या होगा, तो यू विल रियलाइज कि कुछ कुछ बच्चे स्टंटेड पैदा हुए, कुछ कुछ बच्चों का जो ग्रोथ होना चाहिए वो पैदा होने के बाद वो स्टंटिंग के रूप में आया, कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिलो 5 इयर्स के अंतर्गत एज तक अगर आप देखोगे तो उनका अगर आप देखोगे तो हाइट टू वेट रेशियो मैनेज नहीं होता। हाइट टू वेट रेशियो मैनेज नहीं होगा तो एकदम सूखा लकड़ा मिले आपको बच्चा मिलेगा, एकदम सूखा हुआ। और जितने बच्चों का स्टंटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है मिनिमम 5 इयर्स तक, या 5 से लेके मैं थोड़ा थोड़ा अगर आप एज के हिसाब से उसका हाइट बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ेगा, तो वो भी क्या दर्शाता है? इट ऑल्सो शोज द आइडिया ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो हमेशा याद रखेगा कि अंडर न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द स्टंटिंग एंड द वेस्टिंग ऑफ द चाइल्ड। गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? तो वेस्टिंग वेस्ट के हिसाब से याद रखेगा, स्टंटिंग हाइट के हिसाब से याद रखेगा, एज के साथ दोनों पॉइंट का डेफिनेशन आपको पूछना चाहिए। तीसरा प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न अगर आप देखने की कोशिश करोगे वो आता है चाइल्ड मॉर्टालिटी का। अब एक शब्द है IMR, अगर आपने पढ़ा होगा हेल्थ के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट। क्या कहते हैं? इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट। वो बच्चों के लिए है, वो लाइव बर्थ के लिए है। जनरली अगर आप देखोगे लेस देन 1 मंथ या लेस देन 1 ईयर की एज में होगा तो उसको इन्फेंट के रूप में हम लोग कहते हैं। और 1 लाख बच्चे पैदा हुए तो कितने बच्चों का डेथ हो गया, उसे हम लोग जनरली IMR के अंतर्गत देखेंगे कि वे IMR हमको को डाउन करना है। ये है चाइल्ड मॉर्टालिटी। तो दोस चिल्ड्रन जो इन्फेंट से थोड़े बड़े हुए पर अभी बच्चे ही है, जो 5 साल की कम के उम्र के हैं पर एकदम नए नए पैदा नहीं हुए, ताजे पैदा नहीं हुए, दे आर नॉट न्यू बॉर्न चाइल्ड, उनका भी मॉर्टेलिटी रेट एक प्रश्न के रूप में आता है। यू विल सी कि इंडिया के अंदर ये चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की जब हम लोग बात करते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमको ये बता रहा है कि इवेंचुअली उसमें थोड़ा हमने इम्प्रूव किया है। तो 3 पॉइंट याद रखेगा, एक तो अंडर नरिशमेंट है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमको पता चला है, वेस्टिंग बढ़ गया है, मॉर्टालिटी रेट आपका डाउन गया है, और साथों साथ अगर आप देखोगे स्टंटिंग जो मैंने एज के साथ हाइट की क्राइटेरिया को बताया था वहां पे भी थोड़ा इंप्रूवमेंट चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? तो यू विल सी कि टोटल 4 डायमेंशन है इसके, टोटल 3 डायमेंशन है और इसके 4 इंडिकेटर्स है जो क्राइटेरिया के रूप में मिलते हैं, और इसी के द्वारा अगर आप देखने की कोशिश करोगे इन तीनों के तीनों डायमेंशंस को 1/3 वेटेज देते हुए, यू विल सी द हंगर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बिटवीन अ स्केल ऑफ 0 to 100, बिटवीन अ स्केल ऑफ 0 to 100 याद रखेगा। एंड दोज कंट्रीज हु आर हैविंग टूवर्ड्स 100 और मोर देन 50 स्केल, those countries who are having towards 100 or more than 50 scale, that means they are extremely in danger zone, wahan pe bacche zyada bhookhe mar rahe hain. Those countries who are having less than 10, जो लो या मॉडरेट फेज के अंदर आते हैं वो अच्छी बात है। तो हमेशा याद रखेगा कि ये डेटा बहुत ही अलार्मिंग है, क्योंकि हमसे अच्छा तो अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज है जो 90s के अंदर आ गए हैं, वी आर स्टिल अंडर 102, और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड न्यूट्रिशन, क्योंकि बच्चे ही आज का भविष्य है या कल का भविष्य है। द चाइल्ड विल बी द फ्यूचर ऑफ द न्यू इंडिया। अगर बच्चों को खाना ही नहीं मिलेगा
तो ये लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। ये हंगर इंडेक्स ने हमको तीन चीजें बताई, याद रखेगा, ये हंगर इंडेक्स से हमको तीन चीजें पता चलती है। सबसे पहला पता चलती है कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर ये क्वेश्चन करता है कि भाई अगर हम लोग फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन हम लोग अलग अलग स्कीम्स के द्वारा बच्चों को खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं पहुंच रहा है। अब ये जितने भी बच्चे हैं, ये लेस देन 5 ईयर्स के हैं, इनको जनरली जो न्यूट्रिशन दिया जाता है कैसे दिया जाता है, तो इट इज गिवन बाय द आंगनवाड़ी सेंटर्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय द आंगनवाड़ी सेंटर्स, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स अगर आप देखोगे तो बिलो 5 ईयर्स के जितने भी बच्चे जिनको स्कूल में नहीं भेजा जा सकता, बट इट इज मोर लाइक अ सरकारी किंडरगार्टन जहां पे उनको थोड़ा बहुत गेम वेम खिला के, खाना वाना खिला के उसके बाद उनको भेज दिया जाता है घर के अंदर। इनके द्वारा उनको फूड दिया जाता है एटलीस्ट फॉर वन टाइम, गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट। अब प्रश्न ये आता है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स इतने सारे इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं हर एक स्टेट के अंदर, वो इफेक्टिवली ये आपके फूड के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जितनी फूड सिक्योरिटी को लेकर एक्ट है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये हमको यही चीजें बताता है, ठीक है। तो सोचिएगा इसके बारे में, मैं आपके लिए ये ओपन एंडेड टॉपिक छोड़ के जा रहा हूं कि इसको कैसे डील किया जाएगा, वो आपके हिसाब से है कि हाउ विल यू डील दैट, बट ये बहुत ही अलार्मिंग चीजें बता रहा है क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर इतना बड़ा जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको कैसे डील किया जाएगा। ऑलरेडी हमने फूड फोर्टिफिकेशन लाने की भी कोशिश किया है, कहा गया है कि FSSAI इवेंचुअली अब खाने के अंदर जो पैक्ड फूड आता है आपका, वो पैक्ड फूड के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिशन को मिक्स करके दिया जाएगा सो दैट आपकी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो ना हो। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के अंदर जो गरीब वर्ग के होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास और आपके पुअर एक्सट्रीमली पुअर सेक्शन में मिलेंगे, उनको गाउट डेवलप हो जाता है। ये सब चीजों से इनफैक्ट लड़ने के लिए इंडिया को एक इफेक्टिव प्रोग्राम लाना पड़ेगा, तब जाके आपके हंगर का जो सॉल्यूशन है वो फाइनल आउटकम के रूप में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, वरना इट इज वेरी मच डेंजरस। और ये बहुत ही अलार्मिंग स्टेज है फॉर द इंडियन सोसाइटी एज अ होल कि हम लोग क्यों इतने पिछड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है हंगर इंडेक्स से, याद रखेगा। यहां से कभी कभी मेंस के अंदर क्वेश्चन आने की शक्यता रहेगी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हंगर इंडेक्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हंगर इंडेक्स। और साथों साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए ये सब चीजों से बाहर निकलने के लिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो 2 पॉइंट याद रखेगा इसके अंतर्गत, 3-4 पॉइंट यहां से आपको डेफिनेशन बता देता हूं। अंडर न्यूट्रिशन की व्याख्या क्या है याद रखिएगा, इट गोज बियॉन्ड कैलोरीज एंड सिग्निफाइज डेफिशिएंसीज एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग दैट इंक्लूड्स एनर्जी प्रोटीन और एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन उसे कहते हैं, कैलोरीज को छोड़ के प्रोटीन विटामिन मिनरल सब कुछ मिलना चाहिए। मॉल न्यूट्रिशन अगर आप देखने की कोशिश करोगे वो दो तरह से होता है, कभी कभी ओवर न्यूट्रिशन के कारण भी हो सकता है। जब आप अनबैलेंस डाइट लेते हो, कभी कभी आपने प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, कभी कभी अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि आपको उतनी जरूरत ही नहीं उससे ज्यादा लोगे तो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं, काफी सारे हेल्दी लोग भी माल नरिश दिखेंगे आपको। तो अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन के बीच में काफी अंतर है। हंगर किसे कहते हैं तो सारी भाषा में कहा जाता है कि द लैक ऑफ सफिशियंट कैलोरीज, एनी पर्सन हु इज नॉट गेटिंग लैक ऑफ सफिशियंट कैलोरीज उसे इवेंचुअली हंगर के रूप में कहा जाएगा। FAO क्या कहता है, फूड डिप्रिवेशन और अंडर नरिशमेंट एज द कंजम्पशन ऑफ टू फ्यू कैलोरीज टू प्रोवाइड द मिनिमम अमाउंट ऑफ डायटरी एनर्जी दैट ईच इंडिविजुअल रिक्वायर्स टू लिव अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल गिवन दैट पर्सन सेक्स एज स्टैचर एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल। मतलब आप अपना क्या काम कर रहे हो उस हिसाब से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो नहीं मिल रहा है आपके काम के हिसाब से बेस्ड ऑन द कैलोरीफिक नीड्स, दैट मींस आप भूखे इंसान हो। तो कितने लोग भूखे सो जाते हैं देश के अंदर मुझे बताइएगा जरूर से। हमारे जो सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी के जो प्रोग्राम्स है, जो अलग अलग हमने स्कूल्स के अंदर आपके गरीबों के लिए जो दिए जाते हैं अंदर द फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको भी क्या रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है उसके बारे में मुझे बताइएगा, ठीक है। हंगर इंडेक्स याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वहां से हंगर इंडेक्स से ही नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं ईट राइट मूवमेंट। अब ईट राइट मूवमेंट क्या है उसके ऊपर चला जाता हूं। ईट राइट मूवमेंट अगर आप देखने की कोशिश करोगे FSSAI के द्वारा ऑलरेडी चालू कर दिया हुआ है।
मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ईट राइट मूवमेंट के अंतर्गत पिछले क्लासेस के अंदर कि इंडिया के अंदर जितने भी आपका ईट राइट मूवमेंट है, जहां जहां पे इंडियन सोसाइटी को सेफ फूड, हेल्दी फूड खाने के लिए वकालत की जाती है, इट इज़ बीन एडवोकेटेड टू ईट सेफ एंड हेल्दी फूड, और इसी के लिए ओवरऑल प्रोग्रेस हो सोसाइटी का, उसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो ये ईट राइट मूवमेंट को लॉन्च किया गया है। ये ईट राइट मूवमेंट के द्वारा FSSAI wants to make sure कि इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन हर एक इंसान को मिल जाए, इंक्लूडिंग हेल्दी फूड मिल जाए, और इसके साथ साथ फूड फोर्टिफिकेशन भी किया जाए। व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपके जितने भी स्टेपल फूड्स है उसके अंदर ही विटामिन और साथों साथ आपके जो मिनरल के डेफिशिएंसीज खड़ी हो रही है उसको सॉल्व कर दिया जाए। मिनरल्स की और विटामिन्स की डेफिशिएंसीज का मतलब ये होता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो भी खाना है उसके अंदर पहले से प्री एडेड आपका, जैसे आपका आटा हो गया, आपका फ्लोर हो गया, गेटिंग माई पॉइंट ऑन नॉट, उन सब के अंदर आपका फूड फोर्टिफिकेशन किया जाए, जहां पे ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स को ऐड खिला के ही आपको दिया जाए, अच्छी बात होगी। इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो अभी कैंपेन चलाया जा रहा है आज से थोड़ा कम, जहां पे आपके जो खाने की आदत है वो बदलने की बात की जा रही है। एंड अंडर द ईट राइट मूवमेंट ओनली यू विल सी इंडिया ने डिसाइड किया है ट्रांस फैट, विच इज वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड द कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एंड मेनी अदर डिसीजेस, उसको फेज आउट कर देना है बाय द ईयर 2022। जितना भी आपका फूड है वहां से ट्रांस फैट को जीरो करने के लिए ये ईट राइट मूवमेंट चलाया हुआ है। ये ईट राइट मूवमेंट को हम लोग फिट इंडिया के साथ जोड़ रहे हैं। फिट इंडिया का मतलब ये होता है कि आपके इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज के इंडिया की, उसको इनफैक्ट फिटनेस की तरफ मोटिवेट किया जाए। इन दोनों का मिक्सचर करोगे तो जो आपकी यंग पॉपुलेशन वो आगे बढ़ेगी और ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट है वो कम होगे, क्योंकि हेल्थ के अंदर जितना ज्यादा खर्चा बढ़ता है, द मोर द एक्सपेंसिस द मोर आई वुड से इट इज डिफिकल्ट इवेंचुअली जो आप आगे चला पाओगे। ठीक है, तो अभी ट्रांसफैट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ट्रांसफैट के अंदर बता दिया है कि बाय 2022 ईट राइट मूवमेंट के द्वारा ट्रांसफैट को खत्म करना है। ये ईट राइट मूवमेंट के अंतर्गत विद इन दिस ईट राइट मूवमेंट यू विल सी कि अभी रिसेंटली नया डेवलपमेंट दो चीज का हुआ है। एक तो ईट राइट झोला डेवलप किया है सरकार ने, द गवर्नमेंट इज डेवलप द ईट राइट झोला। झोला समझ में आता है, बैग है ना, कोई नहीं कहता बोले हम तो झोला लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, तो झोला इज सम काइंड ऑफ बैग, इट्स आई वुड से अ बैग विच इज मेड आउट ऑफ क्लॉथ। और दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आज से थोड़ा कम कैंपेन, अंडर आज से थोड़ा कम वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द सॉल्ट शुगर एंड द फैट इनटेक इन द डाइट। अब ये ऑलरेडी हमने पढ़ दिया था कि आपका जो थोड़ा कम क्या है, ये ईट राइट झोला, और दूसरा अभी शुरू किया है ईट राइट जैकेट। अब ईट राइट जैकेट जो है वो फील्ड ऑफिशियल्स के लिए, ईट राइट झोला क्या है वो आपको समझा देता हूँ। जनरली क्या है कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बैन किया कि नहीं किया, बहुत सारे जगह पे हमने सिंगल यूज प्लास्टिक जो पॉलीथीन की बैग्स उसको बैन कर दिया। अब क्वेश्चन आया कि अब कपड़ा का जो थैली है जो पुराने टाइम के ऊपर हमारे दादा दादी लेके घुमा करते थे, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दैट बैग। दिक्कत क्या होती है कि वो बैग के अंदर हम लोग उसको रीयूज करते रहते हैं बिना धोए। एज यूजुअल इंडियन सोसाइटी को सैनिटेशन को लेके बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, और कभी कभी अगर आप देखोगे तो आपका जो पुरानी कपड़ा का बैग होता है आप उसको धोते नहीं हो। तो अभी बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा, FSSAI के द्वारा एक प्राइवेट कंपनी को बोला गया टेक्सटाइल कंपनी को कि भाई आप एक झोला तैयार करिए और ये झोला मार्केट में बेचिए। अब देखो मार्केट में बेचने से फायदा क्या होगा, तो दो चीज होगी, एक तो प्राइवेट टेक्सटाइल कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिलेगा, उसके यहाँ पे मेक इन इंडिया चलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, जॉब होगा, इनकम होगा, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ आगे चल जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो झोला है उसको आप अभी रीयूज करोगे, उसको यूज करोगे, फिर जैसे ही वो थोड़ा पुराना होगा ना तो आप उसको वापिस देके एक्सचेंज कर सकते हो बाय न्यू झोला। गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? तो घर के अंदर आपके जो बैग होती है, जो पुरानी बैग्स थी उसको आप साफ सफाई में ध्यान नहीं देते थे, तो ईट राइट झोला के अंतर्गत आपकी जितने भी कापड़ की बैग है, टेक्सटाइल बैग्स है, उसको आप एक्सचेंज कर पाओगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और उसको है ना आपका हेल्थ और हाइजीन का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पुरानी कपड़े की बैग को कभी कभी धोया नहीं जाता था, इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं हम खुद झोला लेके आते हैं, प्राइवेट कंपनी को ऑर्डर दे दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहला क्या है, ईट राइट झोला इज अ रियूएबल क्लोथ बैग विच विल रिप्लेस द प्लास्टिक बैग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग इन वेरियस रिटेल चेन्स।
क्लोथ बैग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड ऑन रेंटल बेसिस, अगर आप देखोगे तो भाड़े के ऊपर थ्रू अ प्राइवेट टेक्सटाइल रेंटल सर्विस कंपनी। मतलब क्या है कि आपका जितना भी ईट राइट मूवमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए ये झोले को लेकर आया है, याद रखेगा। दूसरा, ईट राइट जैकेट को लॉन्च किया गया है जहां पे ईट राइट को प्रमोट करने के लिए जो जो लोग जाएंगे ये जैकेट पहन के घूमेंगे और जैकेट के अंदर अलग अलग वो है ना कि जगह दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक स्कीम चालू किया गया जिसका नाम है फूड सेफ्टी मित्र। अब ये फूड सेफ्टी मित्र क्या है, तो आपके जितने भी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, जितने भी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स है जो फूड के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो फूड के साथ बिजनेस के ऊपर जुड़े हुए हैं और उनको ये FSSAI के बारे में जानकारी नहीं है, उनको फूड प्रोसेसेस का लाइसेंसिंग कैसे करना है उसकी जानकारी नहीं है, तो ये फूड सेफ्टी मित्र को अपॉइंट किया जाएगा। और ये जो इंसान है उनको जॉब भी मिलेगी एंड ही विल बी द पर्सन who will facilitate the licensing and the registration including the health related aspect of the food company. तो license वाइसेंस से लेके जो भी, अगर आप नया वेफर का पैकेट लॉन्च करना चाहते हो, say for example, Pratik Nayak wants to launch his own wafer, Pratik wafer, getting my point or not? But I am not aware about कि इसको कैसे प्रोसेस में जाना है, तो ये फूड सेफ्टी मित्र के द्वारा जा पाऊंगा। फूड सेफ्टी मित्र से फायदा ये होगा कि यहाँ पे जो बंदे FSM के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे उनको जॉब भी मिलेगी और साथों साथ अगर आप देखोगे फूड एंड न्यूट्रिशन के रिलेटेड उनको जानकारी होगी, बहुत सारे हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है, उनको भी दोनों साइड के ऊपर होगा। तो एज अ मैन्युफैक्चरर मेरे को फायदा, मैं कॉम्प्लाई कर रहा हूँ गवर्नमेंट के रूल्स को। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये फूड सेफ्टी मित्र जो इंसान है उसको भी जॉब मिल जाएगी, ही विल बी वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मी टू कोऑर्डिनेट विद द वेरियस हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड लाइसेंसिंग प्रोसेस, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये लॉन्च किया गया है ईट राइट मूवमेंट में। उसके बाद तीसरा पॉइंट आया है वंदन इंटर्नशिप। अब वंदन इंटर्नशिप क्या है, तो हमारा एक प्रोग्राम है, याद रखेगा, हमारा गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री वंदन योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री वंदन योजना। और कहते हैं कि अंडर दिस प्रधानमंत्री वंदन योजना द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि आपके जितने भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कहते हैं, मतलब जंगल के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, उनके पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जहां पे उनके एक्सक्लूसिव राइट्स है। 5th and 6th शेड्यूल के अंदर रहने वाले जो भी समुदाय है वो सब इसके अंदर से आ जाते हैं। इंडिया के 27 स्टेट्स के अंदर ये स्कीम को लागू किया गया और कहा गया है कि इनका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्या नाम है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टिम्बर, क्या कहते हैं, नॉन टिम्बर। ये जो एंटी है ना इसका नाम है नॉन टिम्बर, मतलब झाड़ को छोड़ के, बड़े बड़े ट्रीज को छोड़ के जो ट्राइबल कम्युनिटी के पास इंडिजिनस नॉलेज है, प्रिसाइसली अगर आप देखने की कोशिश करोगे दैट इंक्लूड्स द फॉडर, लीव्स, रेजिन और फिर हनी, वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, कितनी सारी छोटी छोटी जंगल की जड़ी बूटियां है, उनको मार्केट करने के लिए, ये प्रधानमंत्री वन धन योजना लॉन्च किया गया है। ये प्रधानमंत्री वन धन योजना के द्वारा जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको इनकम भी मिलेगी, उनको हाउसहोल्ड के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो काफी फायदा होगा। और कहा जाता है प्रिसाइसली कि आज की तारीख में इतना बड़ा टर्नओवर इनफैक्ट ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर हो रहा है तो उसको और मार्केट दिया जाएगा। अब ये जो प्रधानमंत्री वन धन योजना है उसके अंतर्गत हमेशा याद रखेगा कि ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन होता था, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर हम लोग MSP देते हैं, उसी तौर के ऊपर आपके जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो उसे हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं उनको भी MSP दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। अब खासियत क्या है कि आपकी वंदन योजना चालू है, द वंदन योजना इज स्टिल गोइंग, गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको प्रमोट करने के लिए ट्राइफेड नाम की जो संस्था है, ट्राइबल फेडरेशन दैट केम अप इन द ईयर 1987, जो मार्केट बना रही है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, वो ट्राइफेड के अंतर्गत अब इंटर्न्स को लिया जाएगा। इसके लिए एक नई स्कीम लेके आए है जिसका नाम है वंदन इंटर्नशिप स्कीम। समझे कि नहीं समझे? तो वंदन इंटर्नशिप स्कीम इज अ स्कीम टू गिव इंटर्नशिप ट्रेनिंग टू दी पर्सन हु आर वर्किंग विद द ट्राइबल कम्युनिटी फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द फॉरेस्ट एरियाज, और इवेंचुअली फ्यूचर के अंदर वो सेल्फ रिलायंट एंटरप्रेन्योर्स बने ट्राइबल प्रोडक्ट्स को लेके, उनकी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको लेके। तो बहुत बड़ा मार्केट है, उनको MSP भी दिया जाएगा, तो अब प्राइस सिक्योरिटी मिल गई, अच्छी खासी कॉर्पोरेटाइजेशन भी हो सकती है। यू कैन सी
द स्टेट वाइज अवेबिलिटी ऑफ माइनरल फॉरेस्ट प्रोड्यूस राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू केरला टू गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कितनी सारी छोटी 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 ट्राइबल प्रोडक्ट्स है जो मार्केट की जा सकती है और इसके लिए बंधन योजना के अंतर्गत उनको बाजार भी मिलेगा इंक्लूडिंग उनको माइनर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दी जाएगी और ये योजना को और सक्सेसफुल करने के लिए अब इंटर्न्स को हायर किए गए हैं जो मिनिस्ट्री के साथ काम करेंगे गेटिंग माय पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है याद रखेगा इसके साथ साथ ट्राइबल गर्ल्स को ट्रेनिंग देने के लिए गोल नाम का GOAL याद रखेगा गोल नाम का इनफैक्ट एक प्रोग्राम फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया था नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यू विल सी के मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड फेसबुक ये सब के सब इकट्ठे आएंगे और जो ट्राइबल कम्युनिटी की 5000 से ज्यादा वुमेन है उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स टू बिकम न्यू स्किल्स टू गेट इवेंचुअली अगर आप देखोगे फैशन से लेके जितनी भी अलग अलग अगर आप देखोगे कि उनकी जो लाइफ रिलेटेड स्किल्स है डिजिटल स्किल्स है उन सब को ट्रेनिंग देने के लिए इनफैक्ट ये गोल नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया है ट्राइबल कम्युनिटी की वुमेन उनकी लेडीज आगे आए उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले वो खुद के हाथ के ऊपर अपने पाँव के ऊपर इनफैक्ट सेल्फ रिलायंट हो जाए इसके लिए ये गोल नाम का प्रोग्राम है इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी वन टू वन मेंटरिंग दिया जाएगा इंक्लूडिंग उनको स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत कैसे आगे लिया जाएगा समझाया जाएगा ये सब प्रोग्राम अगर आप देखोगे ये गोल के द्वारा था ये एक इंपॉर्टेंट है उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके एक गाइड आया है याद रखेगा इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं खास करके मीडिया इंडस्ट्री को लेके अभी गवर्नमेंट ने इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अंडर अ काउंसिल कॉल्ड एस SEPC सर्विस एक्सेस प्रमोशन काउंसिल उसने डिसाइड किया कि हम लोग IP गाइड रिलीज करते हैं ये IP गाइड के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाइड के द्वारा इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके जो भी कंफ्यूजन है सर्विस सेक्टर के अंदर उनको ये क्लियर किया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई जो भी FDI आ रही है जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो भी इनफैक्ट सर्विस सेक्टर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है उनको कोई भी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए ये IP गाइड लाया गया है लाइफ स्टॉक सेंसस भी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया है इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो इतने करीबन 53 करोड़ के आसपास जानवर अभी हमको मिले हैं एंड आउट ऑफ दिस 53 करोड़ इवेंचुअली यू विल सी कैटल बफेलो के आसपास जो बोवाइन है जो काऊ एंड बफेलो फैमिली से है वो 30 करोड़ के आसपास जानवर है काऊ पॉपुलेशन उनमें से 14 करोड़ है शिप 14 करोड़ है गोट 15 करोड़ से पोल्ट्री 85 करोड़ के आसपास है तो बहुत सारी आपको इनफैक्ट इसकी डेटा मिल रही है आज की तारीख के अंदर तो ये कभी कभी आपको पूछ देगा कि भाई लाइफ स्टॉक सेंसस के अंदर सबसे ज़्यादा आपके कितने एनिमल्स हैं तो टोटल आपके एनिमल्स के अंतर्गत याद रखेगा कि कैटल 35% ऑफ द टोटल एनिमल्स के अंदर आता है फिर बफेलो है शिप है गोट है और उसके बाद अदर्स आते हैं ठीक है तो लाइफ स्टॉक का इंपॉर्टेंट ये है इतना पॉइंट पता होना चाहिए कौन से स्टेट में सबसे हाईएस्ट लाइफ स्टॉक है वो भी याद रखेगा द लाइफ स्टॉक द स्टेट विच इज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लाइफ स्टॉक इज उत्तर प्रदेश जो ये आपको येलो दिख रहा है ये 2019 का है इसके पहले 2012 का सेंसस का डेटा मिलेगा यहाँ पे राजस्थान में दूसरे क्वांटिटी के ऊपर है उसके बाद अगर आप देखोगे MP मिलेगा वेस्ट बंगाल मिलेगा और बिहार मिलेगा ठीक है तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ लाइफ स्टॉक एनिमल्स है ये भी आपको पता होना चाहिए कभी कभी पूछ दिया जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्वच्छ भारत को लेके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 2 अक्टूबर 2019 के दिन इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वी आर ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री रिसेंटली अगर आप देखोगे तो अभी एक आर्टिकल आया है जहां पे बोला गया है प्रिंट नाम के मैगजीन के द्वारा कि भाई साहब इंडिया के अंदर सच्ची में क्या ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ कि नहीं हुआ इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेके इसके चैलेंजेस क्या है वो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर करा दिए थे जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो प्लीज़ देखेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको मिल जाएंगे आपको ये सेशन कैसा लगा उसके बारे में मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म एंड दो स्टूडेंट्स जिनको मेरे साथ और भी डिटेल में करना है मैं वेलकम करता हूँ आप Unacademy Plus के ऊपर आइए एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए हर एक एजुकेटर का आपको एक्सेस मिलेगा ऑल सब्जेक्ट्स ऑल वीडियोज़ ऑल टॉपिक्स
प्रिलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू, करंट अफेयर्स, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। मैं हिस्ट्री करा रहा हूँ और भी सब्जेक्ट्स को एक्सपांड करने वाला हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आपको हाई क्वालिटी कंटेंट घर पे बैठे बैठे आपको मिल सकता है। थिंक अबाउट दिस, एक महीने, एक साल, दो साल, जितना चाहे उतना सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन लेते समय एक साल के लिए 40,000 फीस है, मेरा कोड यूज करोगे PN लाइव 36,000 में कंप्लीट हो जाएगा, 2 years का 64,000 है, you will use my code PN live, it will be 57,600, application के द्वारा download कीजिए, वहाँ पे भी subscription कीजिए, offline देखिए, आपको जिस तरह से मन में आए वैसा आप इसको use कर सकते हो, but I'll suggest कि घर पे बैठे बैठे high quality content अगर आपको देखना हो, तो प्लीज ज्वाइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। राइस के ऊपर आपके लिए अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हम लोग लेके आते रहेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा हमको जरूर से इसके बारे में बताइएगा। ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको फीडबैक फॉर्म की एक लिंक मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।